मॉर्निंग स्टूडेंट राज, यही आप इलैक्ट्रोस्टैटिक का लैक्चर 15 कंटिन्यू करते हैं। आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया सीगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बारे अपने स्टडी कर लिया राज। अज का आर्टिकल फिर इंपोर्टेंट है 5 मार्क्स लिए कि आप एक्सप्रैशन ड्राइव करना है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपल, मतलब इलैक्ट्रिक डाइपल करके किन्नी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल सानू मिलेगी वो आपने। तो इस तो पहले राय मैं एक इनू डायग्राम कंसीडर करना पहला कि डायग्राम किवें बनानी है। आपने की किया एक डाइपल ले ली राय, अपने को डाइपल है ए अपने को बी, आ नैगेटिव चार्ज है आह पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर तो एक पॉइंट लिता ओ ते ओ तो लेके एक पी पॉइंट लिता अपने को डिस्टेंस किन्ने ते अपने को आर ते ते ए ओ पी किसी एंगल ते है राजे थीटा। हाँ देखो कंसीडर एनी पॉइंट की किया पी राजे एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ द इलैक्ट्रिक डाइपल लिती, सेंटर से मैं ओ पॉइंट रख्या, ओ तो मैं एक पी पॉइंट लिता वह डिस्टेंस किन्ना आर ते ओ पी जिहड़ा डाइपल दे विच पिया होया किसी एंगल थीटा ते पिया होया राजे। ठीक है जी, इसी तरह अपने कोल आ ए दा पी तक का डिस्टेंस जिहड़ा आ ए तो पी दिख रहा डिस्टेंस ए किन्ना आर वन राजे, आह अपने कोल आ बी तो पी तक का डिस्टेंस जिहड़ा दिख रहा ए किन्ना अपने कोल आर टू राजे। ठीक है जी, उस तो बाद कहिंदा ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ए तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा किया राजे एवें, तो उस तो उन्होंने आप मीट कराते राजे ओ नाल, ओ ते आ किसी एक पॉइंट ते जाके की किया अपने कोल मीट कर गया राजे। ठीक है जी, इसी तरह मैं बी ते परपेंडिकुलर ड्रा किया राजे, यह ओ पी ते किहड़े पॉइंट ते मीट किया डी पॉइंट ते, यह अपने कोल सी पॉइंट ते, आह डायग्राम जिहड़ी है टोटल राजे क्लीयर हुई। कंसीडर किया आप पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर तो, ठीक है डाइपल दे, उस तो बाद डाइपल की है ए बी, ओ पी मेक एन एंगल किन्ना थीटा, आर वन अपने कोल जिहड़ा है डिस्टेंस है नैगेटिव चार्ज तो ले, ते आर टू डिस्टेंस है अपने कोल पॉजिटिव चार्ज तो लेके पी तक का, आपां एक ए तो परपेंडिकुलर ड्रा किया राजे, इनू एक्सटेंड किया दोनों कितने मीट किए सी पॉइंट ते, एक बी ते मैं बी तो परपेंडिकुलर ड्रा किया वह राजे ओ पी ते कितने मीट किया डी पॉइंट राजे, आह अपने कोल सारी डायग्राम आ देखो ए बी आ डाइपल है राजे, आह पी पॉइंट है, ओ तो लेके पी तक का डिस्टेंस आर है, ए तो लेके पी तक का डिस्टेंस आर वन है, बी तो लेके पी तक का डिस्टेंस आर टू है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया मैं ए ते ओह उन्हूं एक्सटेंड करते ओ वाली साइड नू ते सी ते जाके मीट किया, एक मैं बी परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ ओ पी ते किहड़े पॉइंट ते मीट किया डी ते। हुण राजे पोटेंशियल कढ रहे हैं पी, पी ते पोटेंशियल कर रहे हैं ड्यू टू नैगेटिव चार्ज करके। ठीक है जी, तो तुम्हें फार्मूला पता ही है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर वन। ठीक है जी, इसी तरह सिमिलरली आप पोटेंशियल कर रहे हैं बी पी ते राजे कि करके बी करके, उदा ही फार्मूला पता 1/4πε0 क्यू अपॉन आर टू, आ पॉजिटिव है आह नैगेटिव है, तो नैट इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कटनी है पी पॉइंट से ड्यू टू ए बी करके, तो इन्होंने दोनों का की करेंगे अपना सम, ये अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो पढ़ा ही हुआ, तो इन दोनों का सम की होगा वी कुछ टू वी वन प्लस वी टू, वी वन की वैल्यू पुट करती वी टू की वैल्यू पुट करती, उतो बाद अपने कॉमन कर लिया राय 1/4πε0 क्यू, तो अंदर की रह गया 1/r2 - 1/r1। हुण राय आर टू तो आर वन की मैनू वैल्यू चाहिए सी, तो मैं डायग्राम से जाना, तो डायग्राम के मैं सब तो पहला की करता राय आ ट्रैंगल दिख रहा तुम ओ ए सी, आह मैं आ कल बाहर कट लिया राय तुम शो करने लिए ओ ए सी, आह तुम्हें पता थीटा तो आ भी की होगा थीटा वर्टिकल ओपोजिट एंगल होंगे ने, तो मैं उरे लाता राजे कोस थीटा, तो आर वन नू मैं अप्रोक्सीमेट जिहड़ा है जिहड़ा आर वन तो दिख रहा है आर वन, तो मैं आह अपने कोल ए पी, आर वन की अपने कोल ए पी, तो आह सी पी आ दोनों मैं अप्रोक्सीमेट इक्वल मान ले रहे कि मीनस ए पी की वैल्यू जो मान लो 10 है तो सी पी की वैल्यू 10.2 है, तो ये दोनों आपस से कि मैं मान ले सेम मान ले कि डिस्टेंस ना दोनों का आपस का की है सेम अप्रोक्सीमेट सेम है। ठीक है जी, तो सी पी किनू किनू जोड़ के बनया रहा है ओ सी प्लस ओ पी राय। ठीक है जी, ओ पी की तो वैल्यू मैंने पता सी आर, पर कि वैल्यू नहीं पता सी ओ सी, उन्होंने क्ढन लिए मैं ट्रैंगल यूज कर रहा है उरे आ थीटा उरे कोस थीटा लगता है, कोस थीटा कि होंगे बेस अपॉन हैपोटेनियस, बेस किन्ना ओ सी, हैपोटेनियस किन्ना अपने कोल ओ ए, तो ओ सी कि आ गया ओ ए कोस थीटा, तो ओ ए तुम्हें पता है किल है डाइपल लेंथ एल, तो ओ सी कि आ गया एल कोस थीटा, तो ओ सी की वैल्यू मैं एल कोस थीटा पुट कर। सिमिलरली उस तो बाद मैं आर टू, आर टू किन्ना तुहाडे कोल आ बी पी है, मैं आर टू नू अपने कोल बी पी नू अप्रोक्सीमेट कि देखो रख लिया डी पी देखो रख लिया आ डी पी दे, मान लो बी पी जिहड़ा है जे 9 अपने को 9 है तो अपने कोल जिहड़ा पी डी है डी पी है पी डी जिहड़ा है वह किन्ना होगा 8.6, तो यह दोनों अप्रोक्सीमेट मैं एको रख लिया। हुण आ डी पी की वैल्यू कढ़न लई राजे मैनू की करना पैना ओ पी माइनस ओ डी, ओ
पी माइनस ओ डी तो डी पी निकल जूगा ओ पी तो पता कि इक्वल है आर पर ओ डी की वैल्यू कढ़ने लिए मैं आ ट्रैंगल बाहर फिर कढ़ लूँगा राजे आ कढ़ लिया ओ डी बी उरे फिर अगेन की लाता कोस थीटा कोस थीटा कि हूँ बेस अपॉन एक्वटेनियस तो बेस कि ओ डी इक्व टू ओ बी कोस थीटा तो ओ बी की वैल्यू कि एल उ पुट करती तो आर वन तो आर टू की वैल्यू अपने को आ गई आर वन की वैल्यू तो आर टू की वैल्यू मैं आ देखो उ सबस्टीट्यूट करती रहे फिर एलसीएम ले लिया यह इधर मल्टीप्लाई यह इधर मल्टीप्लाई नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए बाहर ब्रैकेट माइनस ही साइन की कर ले चेंज आर नाल आर की हो गया कैंसल एल कोस थीटा ते एल कोस थीटा अपने को आ गया रहे ओके ते आर स्केयर माइनस एल स्केयर कोस थीटा आ गया तो टू एल कोस थीटा बन गया रहे ते तुहानू पता टू एल क्यू कि पी दे ए तुहाडे कोल पोटेंशियल आ गया अपने कोल ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपोल किन्नी पी कोस थीटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर माइनस एल स्केयर कोस स्केयर थीटा हूँ स्पैशल केस मान लो आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा वड्डी है एल नालों तो एल अप्रोक्सीमेट कि क्लोजूगा जीरो तो एल की वैल्यू जो जीरो पुट कर देंगे उरा कि आ जूगा आर स्केयर तो बी कि आ गया अपने को पी कोस थीटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर दी स्केयर यह तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपोल ये बस यही मेन सी रहा है आर वन आर टू लिए कि आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया अप्रोक्सीमेट उदे इक्वल रख लिया फिर अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए ए पी आ सी पी कि इक्वल है सी पी ओ सी ओ पी प्लस ओ सी राय ओ पी का डिस्टेंस तुम्हें पता ही है आर ओ सी तुम ट्रैंगल तो निकल गया सिमिलरली आप पी डी अप्रोक्सीमेट कि रख लिया बी पी देवल रख लिया राय तो इस तो बाद अपने को पी डी की वैल्यू कटने आपता ओ पी माइनस ओ डी कर लिया राय तो अपने को ओ पी की वैल्यू तो अपन आर पता से ओ डी की वैल्यू आप थ्रू कट ली आप अपने को ट्रैंगल के थ्रू कोस थीटा ला के राय राय ये डायग्राम से तुम दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं होने क्योंकि यदि लेंथ तुम्हें छोटी लग रही यदि लेंथ वड्डी लग रही है पर आप अप्रोक्सीमेट इक्वल रख रहे हैं पर जो यदा परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे नॉर्मली उरे को जाके मीट कर जूगा यह बाय जमैट्री प्रोपर यह तो यह अप्रोक्सीमेट इक्वल आएंगे सर के इक्वल लिखते नहीं रहे ओके हूँ ये स्पैशल केस है कि जो पी लाई कर रहे एक्सियल लाइन से तो थीटा कि होगा जीरो ओबियस है तो अपने कोस थीटा जगह जीरो पुट कर दो कोस जीरो कि वन तो वो पोटेंशियल थोड़े को आएगी वन बाय आर स्केयर आए आ जे पी लाई कर रहे इक्टोरियल लाइन से तो थीटा कि होगा अपने को 90 तो कोस 90 कि अपने को जीरो तो वो पोटेंशियल की होगा जीरो इदा मतलब इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपल एक्सियल लाइन से तो आऊगा पर इक्टोरियल लाइन से इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होगा जीरो होगा राय स्पैशल केस पेपर के आ जाते हैं राय हूँ आप नैक्सट आर्टिकल जोड़ा है करांगे ड्राइव द रिलेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ठीक है पोटेंशियल एनर्जी कढ़ांगे फॉर 2.4 ली फॉर 3.4 ली फॉर n पॉइंट चार ली फर्स्ट आप कर रहे हैं फॉर 2.4 ली मतलब किसी सिस्टम से जो आप दो चार्ज लेके आने ने तो मैं कितना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल करना पैना मतलब मीनस कितना वर्क डन मैं करना पैना राय मैं एक सिस्टम ले लिया पहला अपने को जो एक आ सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स ओ वाई तो ओ जेड दो पॉइंट चार्ज ने क्यू वन से क्यू टू क्यू टू इनिशियली एट इनफिनिटी फ्रॉम द चार्ज क्यू वन राय पहला सिस्टम से मैं क्यू वन चार्ज लेके आया तदों मैं कोई वर्क डन करना नहीं पैना क्यों क्योंकि ऑलरेडी इतने कोई अपने को नहीं सीगा चार्ज नहीं सीगा जे चार्ज नहीं है तो इन कोई इलैक्ट्रिक फील्ड अपने को नहीं होएगी जे इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगी तो इन कोई वर्क डन करना नहीं पेगा अपने को क्यू वन चार्ज में लेके आने बट जो क्यू वन चार्ज आ गया ए पॉइंट से किन्ने डिस्टेंस से आर वन डिस्टेंस से फिर जो मैं क्यू टू चार्ज में लेके आऊँगा सिस्टम से तदों मैं वर्क डन करना पैना क्यों क्योंकि क्यू वन ऑलरेडी उरे पिया होया जिदे करके इनू इलैक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जिदे करके ये इनू की करूगा अगेंस्ट करूगा सो नाओ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू टू फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट बी एट पॉइंट ए बिकॉज चार्ज क्यू वन जो है प्रोवाइड करेगा इलैक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट मेरी गल समझ ही राजे आपने की करना सी सिस्टम से दो चार्ज लेके आने से राजे तो मैंने किन्ना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल करना पैना वो मैं कढ़ना सी पहला मैं सिस्टम से चार्ज पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं अज्यूम किया तो उस तो बाद मैं एक चार्ज लेके आ रहा पर उरे कोई पहला ऑलरेडी चार्ज नहीं पिया इस करके क्यू वन जो मैं उरे लेके आऊँगा मैंने कोई वर्क डन करने की लड़ नहीं पेगी तो क्यू वन जो है ओरिजिन तो ए पॉइंट से पै कि डिस्टेंस से आर वन से बट पर जो मैं क्यू टू चार्ज लेके आऊँगा राजे फिर उरे क्यू वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिदे करके उरे इनू इलैक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जिदे करके मैं वर्क डन करना पेगा तो इस करके मैं क्यू टू जो इस बी पॉइंट से लेके आऊँगा आर टू डिस्टेंस से तदों मैं वर्क डन करना पेगा तो वर्क डन किदे इक्वल होगा डब्ल्यू इक्व टू क्यू टू इंटू बी
ਤੇ ਕਿਊ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਆਰ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ ਦੀ ਉਰੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਟ ਤਾਂ ਵਰਗਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਕਿਊ 1 ਕਿਊ 2 ਅਪੋਨ ਏ ਬੀ ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੀ ਇੰਟੂ ਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਰ 2 ਤੇ ਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਰ 2 ਮਾਈਨਸ ਆਰ 1 ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਗਣ ਕਿਹਦੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰਾਜੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਕਿਊ 1 ਕਿਊ 2 ਅਪੋਨ ਆਰ 2 ਮਾਈਨਸ ਆਰ 1 ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ